अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। अच्छे जी, ये हमारा लंच टाइम और लंच टाइम में बन रही है आज हमारे यहाँ कढ़ी पकौड़ा, और इसकी जो है वो बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी भी फटाफट हो रही है तैयारी। जी यहाँ पे तैयारी कर ली जी, मैंने भगार की, इसमें लाल साबुत मिर्चें हैं और प्याज है और लहसुन है काफ़ी सारा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो फिर बाद में डलेंगी। और जी यहाँ इस बाउल में मैंने काट के रख ली है प्याज, और फटाफट से जो है पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो मैं बनाऊँगी जी। और यहाँ पे जो है कढ़ी के लिए हो रहे हैं जनाब पकौड़े फ्राई जी। और यहाँ पे जो है हमारे चावल बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो रहे हैं, उसको हम खाएंगे इंशाल्लाह कढ़ी के साथ। दोस्तों कढ़ी पकौड़ा हमारा एकदम रेडी है ज़बरदस्त, उसमें हरा धनिया भी जा चुका है, हर मिर्च मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं डाली, और भगार भी उसके ऊपर एकदम बेहतरीन सा जो है वो लग गया है, चावल भी दम पे हैं। अब बस जी इंशाल्लाह ताला लंच करेंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे दोस्तों। और ये है जी हमारा नेक्स्ट डे, और यहाँ पे बन रही है जी हमारी खीर, और खीर जो है ना बड़ी ही कुछ जुगाड़ू टाइप की बन रही है। और यहाँ पे हो रहे हैं जी चावल की जो पिसाई जो है, ग्राइंड हो रहे हैं जी चावल, और बस अब खीर बनाने लगी हूँ मैं। देखिए दोस्तों हमारी जुगाड़ू खीर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक रही है। अब बस मैंने जो है ना वो क्या करना है कि इसको 6 से 7 मिनट जो है ना मैंने दम पे छोड़ देना है, ताकि अगर ज़रा सी भी कोई कसर इसमें रह गई ना तो वो भी जो है वो निकल जाए। और आज मेरा बड़ा मन था कुछ मीठा बनाने का, तो कस्टर्ड तो मैं बनाती ही रहती हूँ, वो ईजी भी होता है, क्विक बन भी जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ चेंज बनाया जाए और खीर बना ली जाए। तो जी बस ये हमारी खीर जो है बस दम पे जाएगी। दोस्तों मैंने पूरे 15 मिनट जो है ना वो अपनी खीर को जो है वो दम लगाया है, और ये बहुत 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 मज़े की बनी है, बहुत ही जुगाड़ लगा के मैंने बनाई है। और मैंने तभी सोचा था कि जब अच्छी बनेगी ना तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, और अगर सही नहीं बनेगी ना तो आपको बताएंगे नहीं कि हमने जुगाड़ से बनाई है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी है। और जी यहाँ पर ये मेरे दो खूबसूरत से बाउल्स हैं जिनको कि मैंने वॉश करके ड्राई करके रखा था, बस इनमें निकालेंगे जी अपनी खीर को। तो खीर बन गई थी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा, और एक छोटी कटोरी में भी जो है ये आ गई है, और बड़ी कटोरी में एकदम फुल है। अब जी इसको खाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खाएंगे और खाने जी। और अब हो गई है जी शाम, और यहाँ पे जो है वो तैयारी हो रही है दोस्तों डिनर की। डिनर में बन रही है हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जिसमें कि मैंने पानी डाल दिया है, सब कुछ डालने के बाद अब पानी डाल दिया है गोश्त गलने का। और जी बस अब ये कितनी देर लगेगी इसको, मेरे ख्याल से 30 मिनट जो है ना मैं इसको पकाऊंगी, उससे पहले भी मैंने इसको थोड़ा भुनाई करी है तो उसमें भी थोड़ी सी पक गई होगी, तो जो है 30 मिनट्स में जो है इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, और ये देखिए जी हमारी जो ये ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई जो है ना ये बिल्कुल रेडी है, और बनाया भी मैंने इसको कढ़ाई में ही है, कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रही है देखने में, खाने में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार और अच्छी होगी, और एकदम ज़बरदस्त उसमें बबल्स आ रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी जो है ना ये तैयार हो गई है हमारी चिकन कढ़ाई। अच्छा जी, और ये है जी फ्राइडे, और फ्राइडे इवनिंग 9 मुहर्रम है, और रोज़ा है जी घर में मेरी बहन का, मेरे भांजे का, भांजी का, मेरा नहीं है लेकिन बाकी तमाम लोगों का जो है वो है। और यहाँ पे बन रहे हैं जी पोटैटो फ्रेंच टोस्ट, और एक जो है मैंने बना लिया है यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरे की जो है यहाँ पे तैयारी हो रही है। देखिए जी ये मेरे 2 सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं, ये हैं जी हमारे पोटैटो फ्रेंच टोस्ट, और देखने में भी बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, खा के देखेंगे कि कैसे बने। अच्छा जी, और ये है जी सैटरडे यानी कि 10 मुहर्रम, और मैंने बनाया था जी आज ये मंचूरियन, और मेरा इरादा था इसके साथ एग फ्राइड राइस बनाने का, लेकिन मेरी सिस्टर के घर से बिरयानी आ गई तो ये जो है नहीं हो सका आज काम, फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल बनाऊंगी इसके साथ एग फ्राइड राइस जी। और ये है जी कोरमा, चिकन का कोरमा जो कि मेरी अम्मी ने बनाया, और ये बहुत ही मज़े का बना है, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे देख वाला कोरमा।